आपके पार्टी के लोग सनातन के देवी देवता पर, धर्म ग्रंथों पर, धर्म गुरुओं पर अपमानजनक टिप्पणी कर करके सनातन के संस्कार और संस्कृति से बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी दूर हो रहे हैं। अरे सब बिहार जानता है कि आज आप सनातन से कितना दूर चले गए। आपका आधा पक्ष आज जिस धर्म से आता है, मैं उस धर्म का भी सम्मान करता हूँ, लेकिन सनातन का अपमान स्वीकार नहीं कर सकता। आपकी भाषा भगवान राम के ऊपर शंका, राम चाहते तो महल बना लेते। 2024 का चुनाव बेहद करीब है। आपको बताते चले कि एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन के नेता अपने अपने दलों के नेताओं के साथ एकजुट बैठक करने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ यानी झारखंड में बड़ी हलचल मची हुई। और आपको बताते चले कि ये हलचल जो है बिहार के यानी बिहार के नेताओं ने जब प्रेस वार्ता करके, आरजेडी के नेता राज्यसभा सांसद मनोज झा ने प्रेस वार्ता करके पहले ही आगाह कर दिया था कि जिस तरीके से 22 जनवरी से पहले ईडी की जो कार्रवाई यानी ईडी को लेकर के आशंका जाहिर की थी, ठीक उसके एक दिन बाद ही यानी झारखंड के हेमंत सोरेन के करीबी और यानी मीडिया सलाहकार कर ले उनको देखने वाले एक करीबी के यहाँ छापा पड़ गया। और उसके बाद से पूरी कहकर के बिहार में भी राजनीतिक माहौल गर्म है। एक तरफ जहाँ तेजस्वी यादव को कल यानी ईडी के समक्ष पेश होना है, हेमंत सोरेन को पेश होना है, वहीं अरविंद केजरीवाल को पेश होना है, लेकिन तेजस्वी यादव यानी गया में बोधगया में दर्शन करने पहुंचे हुए और दलाई लामा से आशीर्वाद ले रहे हैं, उसको लेकर के यानी विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष ने जोरदार हमला बोला। साफ साफ कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो है भारतीय संस्कृति सनातन संस्कृति से दूर हो रहे और इसलिए ही यानी राम का अपमान कराने का काम कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ करे विजय सिन्हा। सनातन के संस्कार और संस्कृति से बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी दूर हो रहे हैं। आपकी भाषा भगवान राम के ऊपर शंका, राम चाहते तो महल बना लेते। आपके पार्टी के लोग सनातन के देवी देवता पर, धर्म ग्रंथों पर, धर्म गुरुओं पर अपमानजनक टिप्पणी कर करके और उस पर आपका मौन रहना कहीं न कहीं सहमति और स्वीकृति है और आपके इशारे पर इस तरह के बयानबाजी है। अरे सब बिहार जानता है कि आज आप सनातन से कितना दूर चले गए। आपका आधा पक्ष आज जिस धर्म से आता है, मैं उस धर्म का भी सम्मान करता हूँ, लेकिन सनातन का अपमान स्वीकार नहीं कर सकता। ये धरती भगवान राम की माँ जानकी सीता जी की धरती है और बिहार की धरती पर माँ जानकी अपने उनके पति जो हमारे भगवान राम हैं उनका अपमान बिहार भी कोई बिहारी स्वीकार नहीं करेगा। इसका जवाब समय पर आपको देगा। आप सनातन के संतानों को जिस तरह से अपमानित करने का हमारी देवी देवता हमारे धर्म ग्रंथों पर जिस तरह से प्रश्न उठा रहे हैं और आपके मन के अंदर श्रद्धा का भाव समाप्त हो रहा है, यही आपका अंत का कारण बनेगा। और कांग्रेस के लोग भी राम सेतु पर शंका करके भगवान राम को काल्पनिक किया तो उसका अंत हो, अंत के समय निकट आ गए हैं। आज देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज भगवान राम लला की मूर्ति और मंदिर स्थापित कर करके 21वीं सदी के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का शंखनाद करने जा रहे हैं। सनातन का हर संतान स्वागत करेगा और जय श्री राम का नारा लगाकर सभी देश के अंदर एक सकारात्मक राम राज की कल्पना को साकार करेगा। तो आपने सुना किस तरीके से विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला। आपको बताते चले एक तरफ जहां झारखंड में हलचल मचा हुआ है ईडी की कार्रवाई से, एक तरफ जहां हलचल मचा हुआ है कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से ये भी खबर चली कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होगी और उनकी पत्नी जो है यानी जेजेएम के जो विधायक हैं वो इस्तीफा दे दिया है, जेजेएम के विधायक इस्तीफा दे दें। तब से लगातार ये चर्चा चले कि हेमंत सोरेन की पत्नी वहाँ से चुनाव लड़ेगी और वो झारखंड की मुख्यमंत्री बनेगी। लेकिन जिस तरीके से बिहार में भी ईडी को लेकर के काफ़ी हलचल तेज है, एक तरफ जहाँ तेजस्वी यादव यानी कल जो है सुनवाई है उनकी, उससे ठीक पहले आज बोधगया में दर्शन करने पहुँचे, उसको लेकर के साफ साफ यानी विजय सिन्हा कह रहे हैं कि वो भारतीय सनातन संस्कृति से दूर है, इसलिए तमाम जो सनातन के हिंदू देवी देवता है उनको उनके नेता जो है अपमानित करने का काम कर रहे हैं, तेजस्वी यादव अपमानित कराने का काम कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि ईडी की जिस तरीके से हलचल मची हुई झारखंड में, कब तक क्या बिहार तेजस्वी यादव कल ईडी कार्यालय समक्ष पेश होते हैं कि नहीं, ये अब देखने वाला
दिलचस्प होगा। अरविंद केजरीवाल पेश होते हैं या हेमंत सोरेन पेश होते हैं या हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो जाती है। ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।